विवादित स्थल राम जन्मभूमि पर दिवाली के दीप जलेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर क्लाइमेक्स आ गया है। पूरे देश की धड़कनें तेज हैं क्योंकि 17 अक्टूबर को सुनवाई खत्म होने वाली है। आखिरी के 3 दिनों में क्या होगा सुनवाई में, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या मामले के इस आखिरी फेज में सुप्रीम कोर्ट में अभी पक्षकारों की तरफ से आखिरी दलीलें रखी जा रही हैं। अदालत के द्वारा दिए गए समय के अनुसार 14 अक्टूबर तक मुस्लिम पक्ष की दलीलें खत्म होनी हैं। 15 और 16 अक्टूबर को हिंदू पक्षकार के वकील मुस्लिम पक्ष की दलीलों का जवाब देंगे, साथ ही अपनी अंतिम टिप्पणी भी अदालत में रखेंगे। 6 अगस्त से शुरू हुई अयोध्या मसले पर आखिरी सुनवाई 17 अक्टूबर को होनी है। पहले अदालत ने 18 अक्टूबर की तारीख तय की थी, लेकिन बाद में इसे एक दिन घटाकर 17 अक्टूबर कर दिया गया। इस मामले में आखिरी सुनवाई से पहले अयोध्या जिले में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। 10 दिसंबर तक पूरे जिले में धारा 144 को लागू कर दिया गया है, ताकि अगर फैसले को लेकर कुछ माहौल बिगड़ता है तो उसे काबू में किया जा सकता है। फोर्स के लिए 200 स्कूलों को आरक्षित किया गया है। अयोध्या में आने वाले दर्शनार्थियों और दिवाली महोत्सव पे धारा 144 का कोई असर नहीं होगा। अयोध्या विवाद के संभावित फैसले को लेकर 10 दिसंबर तक जनपद में धारा 144 लागू है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा इस मामले की सुनवाई कर रही संविधान की पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस नजीर भी शामिल हैं। अयोध्या के विवादित राम जन्मभूमि स्थल पर आगामी 27 अक्टूबर को दीपोत्सव की अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी थी, इसलिए इसके विरोध में संत समाज अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लंका विजय के बाद राम के अयोध्या लौटने पर ही पूरे भारत में दिवाली मनाई जाती रही है। राम के जन्म स्थल पर ही इसका आयोजन नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए संत समाज ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलें खत्म होने वाली हैं, लेकिन अभी तक की दलीलों से मुस्लिम पक्ष की दलीलें कमजोर नजर आ रही हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।